हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मॉस्फेट टेस्टर सर्किट। तो आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में, ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया है। और मॉस्फेट की जो तीन साइड होती है, सोर्स, गेट और ड्रेन। तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में हम जो यूज़ करते हैं, तो सोर्स को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ड्रेन से हम आउटपुट लेंगे और गेट वाले के यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे। तो हमने इसको डायग्राम बनाया है, ये वाला देख सकते हैं आप। तो हमने इसको सोर्स और गेट के बीच में एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया है। ड्रेन से जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से, तो 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ये हमने एक LED लगाई और पॉजिटिव सप्लाई को इधर स्विच के साथ जोड़ दिया है। ये इसका पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा सर्किट है, तो फटाफट इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक PCB बोर्ड का छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में एक पुश बटन, एक 470 ओम का रेजिस्टेंस और एक 1K का रेजिस्टेंस है, और ये एक छोटी सी हमारी LED है। ठीक है, तो मैं फटाफट स्टार्ट। और साथ में हमारा जो ट्रांजिस्टर रहेगा, MOSFET रहेगा, तो उसके लिए हमको बार बार उसे डालना और बार बार दूसरे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने फीमेल पिन हेडर से एक पार्ट लिया है, इसमें 3 पिन्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1K के रेजिस्टेंस को उसी हिसाब से स्पेस छोड़ के ऊपर ही लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले स्पेस छोड़ दिया और इसको 1K वाले रेजिस्टेंस को इन दोनों के बीच में यहीं पे हम लगा लेंगे। तो हमने ये 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लिया और हम इसे सोल्ड करेंगे। और इसके साथ हमने लगाया है हमारा 3 पिन वाला जो सॉकेट था। तो 3 पिन वाले सॉकेट को हमने देखिए यहीं पे फिक्स कर लिया है, ये इस पर फिक्स हो जाएगा आराम से। और मैं इसको इन दोनों को सोल्डरिंग कर देता हूँ। इनको भी हम सोल्डर कर लेते हैं। तो मैंने तीनों सोल्डर करने के बाद, अब हमारा जो बीच वाला पॉइंट था, तो वहाँ से 470 ओम का एक रेजिस्टेंस हम लेकर के और उसको सेंटर में अप्लाई कर देते हैं, बीच वाली लेग के साथ। तो बीच वाली लेग ये वाली है, ये हमारी इसकी बीच वाली लेग है। और अब हम इसे भी सोल्डर कर देते हैं यहाँ पे। और उसको सेंटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर देते हैं। अब हमारी जो 470 का हमने रेशन लगाया था, तो इसकी भी दूसरी लेग को हम सोल्डरिंग कर लिया है। और उसे कट करने के बाद हम यहाँ पर LED के नेगेटिव वाले पॉइंट को लगाएंगे। तो हमारा LED, इसका बड़े साइड वाला जो है पॉइंट, वो हमारा नेगेटिव हमने काटा हुआ था पहले से। तो इस पॉइंट को उसके साथ सोल्डर कर देंगे।
तब दोनों लगा लिए। ठीक है, अब हमें एक स्विच का यूज़ करना है जो हमारी इसकी एलईडी की पॉजिटिव पॉइंट पे और जो हमारा ड्रेन था, सॉरी हमारा गेट था ये वाला, इसकी पॉइंट पे लगेगा। तो स्विच को हम लगाते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे स्विच लगा लिया है और स्विच के साथ हम एलईडी के एक पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम गेट को एलईडी के यहाँ से बटन से कनेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ से गेट से उस स्विच को एक वायर देना है और गेट हमारा इस साइड वाला है, मतलब कि ये वाला पॉइंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर पे ख़त्म करेंगे। तो मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ साथ के साथ। और यहाँ से हम इसे स्विच को सप्लाई देंगे, तो इस वाले पे हम या इस वाले पे, दोनों से किसी पे भी हम कनेक्शन दे देंगे। और अब हमारा फाइनल रह गया एक वायर, नेगेटिव वाला यहाँ पे देना है और पॉजिटिव वाला स्विच के साथ जो एलईडी का पॉइंट था ये वाला, देखिए प्लस वहाँ देना है। हमने 9 वोल्ट की बैटरी के लिए ये वायर लिया है और पॉजिटिव वाला एलईडी के लेग पे, ये वाली एलईडी की लेग, ये पॉजिटिव वायर, इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ। और नेगेटिव वाला वायर डायरेक्ट हमारे सोर्स पे। ये हमारा सोर्स वाला टर्मिनल है वहीं पे। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी हम लगाते हैं और एलईडी हमारी ग्लो नहीं हो रही है। फिर हम यहाँ पे हमारा जो ये है ZN44 MOSFET है, तो हम इसको एक बार लगा के चेक करते हैं। देखिए ये एलईडी ग्लो हो गई और ये कंटिन्यू ग्लो हो रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा वाला लगाते हैं, तो ये भी कंटिन्यू ग्लो हो गई, मतलब कि ये भी ख़राब हो चुका है। हमारा तीसरा वाला है, इसमें एलईडी ग्लो नहीं हुई। और चौथा है,
इसमें हमारी एलईडी ग्लो हो गई। और एक मैं नया लेके आया हूँ, ये मेरा, और देखिए जब हम बटन दबा रहे हैं तो ये ग्लो हो रहा है, मतलब ये एकदम सही है। और बाकी जो चार मॉस्फेट है इनका हमने इन्वर्टर बनाया था, ओवरलोड की वजह से ये ख़त्म हो चुके हैं चार। तो उसके लिए फिर मैं इन्वर्टर के लिए नए मॉस्फेट लेके आया हूँ चार। मैं आपको चेक करके और दिखा देता हूँ, ये सेकंड वन देखिए, ये थर्ड वन, और ये वाला हमारा फोर्थ वन, देख सकते हैं। तो चारों ओके हैं और ये चारों फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप भी बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप भी चेक कर सकें आराम से कि आपका कौन सा मॉस्फेट सही है और कौन सा मॉस्फेट ख़राब है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।